लेकिन जायसवाल कमाल, कमाल जायसवाल कह दिया आज मैंने, कमाल जायसवाल बहुत जबरदस्त है यार। इस लड़के को देख के, इसकी बल्लेबाजी को देख के, इसकी फ्लुएंसी को देख के, इसकी शॉट मेकिंग को देख के, और सबसे बढ़कर इसकी दलेरी को देख के दिल खुश हो जाता है। और कमाल है वो माँ बाप जिन्होंने ये तोहफा दिया है इंडियन टीम को, उनको भी क्रेडिट जाता है। मैं कहता हूं वो क्रेडिट के मुझसे ही गए। जिस जिस स्टोरी है, जो इसकी कहानी है यार, बार बार दिल दिल जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, ये सोचकर कि यार ये बंदा कहां से। सच अ मोटिवेशनल स्टोरी, और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में अब जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें पहले दिन तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कल दूसरे दिन जिस तरह इंग्लैंड टीम बैटिंग कर रही थी, तो पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा था कि भारतीय टीम को बिल्कुल, ये इंग्लैंड की टीम इस मैच में भी बिल्कुल किनारे कर देगी। इससे पहले दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है। तो दोस्तों, इस मैच में एक बार फिर से आज सुबह से भारतीय बॉलरों ने जिस तरह वापसी की, और सिराज ने जो 4 विकेट चटकाए, एकदम पाकिस्तान, आपने देखा होगा इंग्लैंड की टीम किस तरह से धड़ाम हो गई। और उसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम की बैटिंग भी काफ़ी अच्छी रही है, और खासकर जो जायसवाल ने जिस तरह का शतक जड़ाया, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। जायसवाल इस मैच में, इस सीरीज में पहले भी शतक जड़ चुके हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की अब बिल्कुल जमकर तारीफ कर रहा है। चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इस सीरीज से जुड़ी हुई पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते कहीं हैं पे वीडियो नजर आया स्टार्ट। थोड़ा कप्तान की तरफ से इस बार कुछ बेहतर करने की कोशिश नजर आई बेन स्टोक्स की जानिब से, लेकिन ओवरऑल बाकी बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन यहाँ पे कमाल का, जब आप इतनी बड़ी लीड ले लेते हैं ना, तो सर दिल भी इतना बड़ा हो जाता है, आपका आपकी टीम का मोराल भी बहुत हाई होता है, और आपका दिल करता है मैं खा जाऊं, इस टीम को खा जाऊं। और फिर वहां पे अगर जायसवाल जैसा अटैकिंग नेचर वाला बल्लेबाज, जो कि मैं समझता हूं कि बाय बर्थ एक अटैकिंग नेचर है उसकी, और वो उसका सिस्टम ही अटैकिंग है, तो उसने बनने की कोशिश नहीं की जो रूट की तरह, वो है ही एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ। उसने आज अगेन जो बल्लेबाजी की है, कमाल की है, एक और सेंचुरी। जायसवाल इज अ स्पेशल टैलेंट, समवन हु डिजर्व्स लॉट ऑफ दीज रन्स, और मैं ये समझता हूं कि वो करेगा, वो बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, फ्यूचर का इंडिया का बड़ा बल्लेबाज है। ठीक है, कभी वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन जब उसका बल्ला चलेगा ना, वो वन साइड बना देगा सिचुएशन को। बेसबॉल क्रिकेट जो है ना जी, बेसबॉल क्रिकेट, अगर उसका कोई वाहिद तोड़ इस वक्त इंडिया में मौजूद है ना, तो बेसबॉल इज इक्वल टू जायसवाल। ठीक है, ये समझ लें आप कि बेसबॉल इज इक्वल टू जायसवाल, और जायसवाल इज द वन के जो बेसबॉल को टक्कर देता है, और आज एक बार फिर उसने टक्कर देकर दिखाई है। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेटली आज कप्तान का दिन नहीं था, लेकिन कप्तान के जो चेले हैं आज उनका दिन था, आज यंगस्टर्स का दिन था, और आज जायसवाल ने जो इनिंग्स खेली। और फिर मतलब ठीक है, उतनी फ्लुएंट नहीं है, उतनी उस तरह की इनिंग्स नहीं है शुभमन गिल की, बट अगेन मैं ये कहूंगा कि एक तरफ उसने होल्ड करके रखा और इनिंग्स को आगे लेकर के चला, और एंकर का रोल प्ले किया, जो नॉर्मली आपको वहां पे नंबर 3 का प्लेयर एंकर रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है, वो रोल प्ले किया। और भाई ये मैच इंडिया का है, ये मैच इंडिया का है, जब आप इतनी बड़ी लीड हासिल कर चुके हो ऑलरेडी, और आपके पास अभी टाइम भी बाकी है, विकटें भी सिर्फ आपकी जो है वो अच्छी खासी बाकी है, तो मेरे ख्याल में आपके पास 2-8 विकटें बाकी हैं, अभी 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए हैं, और अभी होपफुली जायसवाल जो है वो दोबारा कमबैक करेंगे इंशाल्लाह, जब ठीक हो जाएंगे तो वो दोबारा भी कमबैक कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। बहरहाल उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली है, और इतनी बड़ी लीड है सर, 322 की अभी से लीड है, 322। तो मैं ये समझता हूं कि अब इनको इतनी लीड कर देनी चाहिए कल के, मतलब 450 तो बनती है, 450 प्लस अगर इंडिया लीड करने में कामयाब हो जाता है, और जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो दोबारा मौका नहीं देते इंग्लैंड को पीप इन करने का, तो आई थिंक सो के
बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। थोड़ा टाइम भी देना मांगता है क्योंकि आज तीसरा दिन था तो अभी 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो इनको कल जरूर उनको खिलवाना पड़ेगा ताकि इनके पास एम्पल टाइम हो इंग्लैंड को आउट करने का। तो सबकी निगाहें अब लगी हुई हैं शुभमन गिल के ऊपर कि क्या शुभमन गिल एक बार फिर सेंचुरी करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जायसवाल कमाल, कमाल जायसवाल, कमाल जायसवाल, कह दिया आज मैंने कमाल जायसवाल, बहुत जबरदस्त है यार। इस लड़के को देख के, इसकी बल्लेबाजी को देख के, इसकी फ्लुएंसी को देख के, इसकी शॉट मेकिंग को देख के और सबसे बढ़कर इसकी दलेरी को देख के दिल खुश हो जाता है। और कमाल है वो माँ बाप जिन्होंने ये तोहफा दिया इंडियन टीम को, उनको भी क्रेडिट जाता है। मैं कहता हूं वो क्रेडिट के मुझसे ही कहें, जिस जिस स्टोरी है, जो इसकी कहानी है यार, बार बार दिल दिल जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है ये सोचकर कि यार ये बंदा कहां से, सच अ मोटिवेशनल स्टोरी। और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है यार, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट क्रिकेटर्स के लिए। देखो यार ये लड़का कैसे आया है और कितनी मेहनत से आया है और अपने टैलेंट पे आया है, और अपने टैलेंट को जो उसने जब उसको मौका मिला तो दोनों हाथों से ग्रैब किया है। सो अगेन ग्रेट। अब सबकी नजरें सरफराज पे भी होंगी कि उसको अब दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता है इस इनिंग्स में आगे दोबारा खेलने का, क्योंकि कुलदीप को उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा है, दोबारा उसको मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्या वो भी सेंचुरी करने में कामयाब होता है। एक हम क्विक इनिंग्स उसकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको मौका मिले, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, तो भाई वो 1-1.5 घंटा अगर उसको बैटिंग करने का मौका मिल जाता है तो रन्स बहुत जल्दी से जो है वो कर दिए जाते हैं। आप ये देखिए कि एक बॉलर शॉर्ट है इंडिया। बाय द वे जो वो एक मेडिकल एमरजेंसी, आपने मुझे कल भी बताया था कि जो मेडिकल एमरजेंसी में वो गए हैं, हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं और हमारी जो दुआएं हैं वो उनके साथ हैं कि जो भी जिस मामले से वो गुजर रहे हैं जल्दी उससे निकलें और खैरियत से निकलें। वी आर विद हिम, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन। तो उनके लिए, उनकी तरफ से भी उम्मीद है कि हमें अच्छी और तसल्ली बख्श खबर आएगी। लेकिन उसके बगैर जो है टीम इंडिया ने कमाल किया सर, आज तो दिन बन गया हमारा। खास तौर पे जायसवाल जब जब खेलेगा मेरा दिल ले लेगा। कि आपने लाइन मारी बिल्कुल बारहवीं आसमान को छूने वाले इसके हौसले हैं ना। आप रन चेक करें सीरीज में, कहां 400 प्लस रन बना के वो टॉप पर है और कहां दूसरे नंबर वाला बैट्समैन कैसे हैं और ये बेचारा कैसा है, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है और ये बेचारा कितने मैचेस खेले हुए आप चेक करें, और जिस स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं ना, मतलब हर एक चीज है, टेक्निक प्रॉपर है, हौसले बुलंद है, तेज वो खेलता है, मतलब हर एक चीज है उसके पास। और अभी जिस तरह की कंडीशन है मुझे लगता है मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई ऐसा मसाला नहीं है जो इस ये जो हंडिया पकी है इसमें शामिल नहीं है। भाई हर चीज है उसके पास, ही हैज एवरीथिंग, बस जस्ट उसको लक थोड़ी सी और मिल जाए ना और वो कंसिस्टेंसी आ जाए मजीद उसमें, कहीं पे वो उसकी लक उसका साथ नहीं देती। क्योंकि वो कहते हैं ना, इफ यू लिव विद सोर्ड यू डाई बाय सोर्ड, और अगर आप बहादुरी बहादुर वो कहते हैं ना, बहादुर जो है वो या तो घोड़े के ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है। तो बहादुर जो है ना उसके साथ फिर यही होता है कि जब आप दलेरी से खेलते हैं ना, वो या तो फिर वो आसमान पे होता है या फिर जमीन पे होता है, दरमियान में कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन होपफुली लकी भी है, मतलब ये कंसिस्टेंसी भी आ रही है टेस्ट क्रिकेट में, वो एक उभरता हुआ शानदार बल्लेबाज बनकर सामने आ रहा है। और कंग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन क्रिकेट फैन एंड इंडियन क्रिकेट। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान में काफी हमेशा से ही तारीफ की जाती है, और भारतीय टीम तारीफ के करने लायक ही दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से दिखा रही है। वहीं पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम में सब सिफारिशी खिलाड़ी खेलते हैं और उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। और बचा कुचा जो बाबर आजम एक एवरेज बैट्समैन से भी कम था, लेकिन उसको भी पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह की हाइप क्रिएट की कि उसको अहुआ बना के विराट कोहली से आगे निकालने की कोशिश की। वैसे बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस रही नहीं, और जहां आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी किस तरह वह चारों खाने चित नजर आया, और अब दोस्तों पीसीएल भी आज से स्टार्ट हो रहा है
उसमें बाबर आजम की पोल और खुलेगी, तो देखते हैं क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।